चल नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेस, कि अगर स्ट्रेस को मुझे डिवाइड करना है तो मैं कैसे उनको डिवाइड कर सकता हूँ। सो वी कैन क्लासिफाई द स्ट्रेस इन अ टू पार्ट, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, दैट इज ईयू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। तो उसका मतलब क्या होता है और उसकी इम्पैक्ट क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो ईयू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस दैट इज गोइंग टू अकर व्हेन योर लेवल ऑफ स्ट्रेस इज हाई इनफ टू मोटिवेट यू टू मूव इन टू द एक्शंस टू गेट द थिंग्स अकम्प्लिश। कि भाई स्ट्रेस का लेवल, कि जो आपके कंट्रोल में है, स्ट्रेस का लेवल जो आपको एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है टू परफॉर्म मोर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस आपको मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा कुछ नया करने के लिए, कुछ और ज्यादा करने के लिए, देन इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस। दिस मे लीड द एम्प्लॉयज टू द न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग देयर जॉब्स। कि भाई वो इससे क्या होगा कि भाई वो बंदा मोटिवेट होगा कि चलो भाई मुझे कुछ और करना है, मुझे और ज्यादा काम करना है, मेरे को मेरे काम में क्रिएटिविटी लानी है। सो इन सर्टेन जॉब्स लाइक द फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सेल्स, इन द केस ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंकर्स, जर्नलिज्म, तो दिस आर द सर्टेन जॉब्स वेयर द क्रिएटिविटी एंड समथिंग न्यू इज रिक्वायर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट अ माइल्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड इन दिस काइंड्स ऑफ जॉब। कि अगर सेल्स है तो सेल्स के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो बंदे को देना ही पड़ेगा। अगर आप उसको स्ट्रेस नहीं दो तो वो बंदा काम नहीं करेगा। सो जो सेल्समैन की टीम है, उसका बॉस है, तो बॉस हमेशा उसके उनको और ज्यादा टारगेट देगा, और ज्यादा टारगेट देगा, और ज्यादा टारगेट देगा, सो दैट दे विल फील द स्ट्रेस एंड दे विल वर्क मोर। कि भाई उनको तलवा लटकाएगा उनके ऊपर कि चलो भाई ये महीने पे इतनी सेल्स नहीं हुई तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, ये मंथ पे आपका टारगेट अटेंड नहीं हुआ तो आपका डिमोशंस हो जाएगा, आपको कंपनी में से निकाल दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट वे वी आर मोटिवेटिंग द सेल्समैन। देन नेगेटिव स्ट्रेस दैट इज डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस हर अकर्स व्हेन योर लेवल ऑफ स्ट्रेस इज हाई इनफ और योर बॉडी एंड माइंड बिगिंस टू रिस्पॉन्ड नेगेटिवली टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेसर्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। कि भाई अभी क्या हो रहा है कि भाई जो स्ट्रेस का लेवल था इट्स नाउ गोइंग बियॉन्ड योर कंट्रोल लिमिट्स। कि भाई अभी वो जो स्ट्रेस है वो आपकी कंट्रोल लिमिट से आगे आगे चला गया, कंट्रोल के बाहर चला गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वंस अगेन यू आर गोइंग टू फील कि यस नाउ इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई कैन नॉट डू दिस। सो नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव स्ट्रेस, कि जहाँ पे आपकी बॉडी और आपका माइंड जो होगा वो आपको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। कि भाई आपको लगेगा, भाई आपको माइंड बोलेगा कि यार मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ, आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी काम करने में, एंड यू आर फीलिंग ट्रिमेंडस स्ट्रेस कि यस अभी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सो दिस इज अ नेगेटिव स्ट्रेस। सो नेगेटिव स्ट्रेस है, उसकी इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाली है, ये हम इफेक्टिवनेस ये जो इफेक्ट है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, वो अलग से इन डिटेल में जाएंगे। कि भाई जो स्ट्रेस का लेवल है वो अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो उसके कारण जो कोई भी ह्यूमन बींग्स है तो उसके ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट आने वाली है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल इफेक्ट, तीनों चीज़ों के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आने वाली है। सो हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग्स वी कैन से दैट कि भाई दो प्रकार का स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, ईयू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव स्ट्रेस फ्रॉम लो एंड टू हाई एंड, ऑन अ वाई एक्सिस वी हैव परफॉर्मेंस फ्रॉम लो टू हाई। सो एज एंड वैन द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, तो दिस विल बी ई और डी यू, दिस विल बी फर्स्ट फेज विल बी ई, फर्स्ट फेज विल बी ई स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, कि जहाँ पे स्ट्रेस का जो लेवल होगा वो आपको मोटिवेट करेगा। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। बट
डेफिनेटली देर विल बी अ वन ब्रेक लाइन कि भाई यहाँ पे मैच्योरिटी पॉइंट आपका भी होगा कि यस आपके भी मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन करने की पर्टिकुलर लिमिट होगी। अगर वो लिमिट से बियॉन्ड चला गया, आपका जो थ्रेशोल्ड है उससे आगे स्ट्रेस चला गया, देन आपका जो बॉडी है, माइंड है, वो अभी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सो नाउ इट विल बिकम द डी स्ट्रेस कि जहां पे दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगी। एज द स्ट्रेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट द वेरियस इम्पैक्ट कि भाई उसकी इफेक्ट आएगी कि भाई आपकी बॉडी के ऊपर उसकी इफेक्ट होगी, माइंड के ऊपर इफेक्ट होगी, बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट होगी। वो सारी चीज आप यहाँ पे इस साइड पे ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल उसका कंट्रोल से बाहर चलाता जाएगा, वैसे वैसे उसके माइंड के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर और उसके बिहेवियर के ऊपर आप उसकी इम्पैक्ट देखोगे। सो हियर वी कैन से दिस आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।